सारे ने अहमद शाह अब्दाली का नाम ठीक सुनिया होना है, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुनिया होना है सारे ने, जिन्होंने पंजाब नू सत वार लुटिया। लेकिन मैनू लगता है कि अज जे अहमद शाह अब्दाली जिंदा होंदे तां उन्हूं भी जिहड़ी आ लुट है माफिया दे विच होई, ट्रांसपोर्ट माफिया, किते ना किते उन्होंने भी शर्म महसूस करनी सी कि ये तो मेरी तो कोई लुट ही नहीं है, जो मेरे तो भी वड्डे इन्हां अहलकारां ने। और खास करके अहमद शाह अब्दाली नूं तां लुट दे नाम नाल जाणिया जांदा सी कि वह कदे सोमनाथ मंदिर लुटदा सी, कदे पंजाब लुटदा सी, कदे कुछ लुटदा सी। लेकिन जिन्हां लोगों नूं पंजाब दा रखवाला बना के भेजा गया, पंजाब दे राखे बना के भेजा गया, जिन्होंने नारा लाया सी राजनीति सेवा दा, उन्होंने पंजाब नूं अब्दाली तो वध भी लुटिया। इहदे मैं थोनू अज अंकड़े थोनू पेश करना चाहना, तो हो सकता है अहमद शाह अब्दाली यह महसूस करता होवे जे कि कोई उन्होंने रूह भटकती होवे कि मैनू तो पंजाब आना ही नहीं चाहिए सी, उत्थे तो मेरे तो वड्डे अब्दाली बैठे है जी। सो अज तक मैं थोनू दसना चाहना जी, अक्टूबर महीने के विच असी 304 बसा इलीगल इंपाउंड कीती हैं, जिहड़ियां सम ऑफ द बसेस विदाउट टैक्सेस, विदाउट परमिट्स ते अदर जिहड़ियां होर उहनां च त्रुटियां सन। 68 बसा दे चलान किए गए, ते इहदा असर की होया कि 7 करोड़ रुपया सानू रेवीन्यू टैक्स कलैक्शन दे वल्लों आया, लेकिन हजे काफ़ी बकाया बाकी है। लेकिन 7 करोड़ रुपया हुण तक एक महीने दे विच जिहड़ा टैक्स कलैक्शन हुई है, जिहड़ियां टैक्स डिफॉल्टर बसा सीगियां उन्हां तों सानू 7 करोड़ रुपया आ चुके है जी। लेकिन होर भी काफी ऐसे डिफॉल्टर्स हैगे ने जिन्हां तों पैसा आना बाकी है, लेकिन 7 करोड़ रुपया हुण तक आया है। इस दे नाल नाल अगर असी गल करिए पनबस ते पीआरटीसी दी, तां जिहड़ा सितंबर महीना सीगा उहदे विच पीआरटीसी दी कमाई साडी 39 करोड़ रुपया महीने की सी, कलैक्शन नॉट कमाई, कलैक्शन 39 CR, ते पंजाब रोडवेज की सी 34.15, यानी कि दोनों नूं अगर मिला लिए तो 73 करोड़ 16 लाख सानू एक महीने का कलेक्शन हुई 73, पीआरटीसी 39, पंजाब रोडवेज 34.15, टोटल 73.16, यानी कि 73 करोड़ 16 लाख एक महीने का साड़ी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया सितंबर। ते जे मैं अक्टूबर की गल कर ला, हुण नवंबर चल रहा है लास्ट मंथ दी, पीआरटीसी 54.74 करोड़ 74, जिहड़े कि 39 हुंदा सी 54.74 आ गया जी। ते जिहड़ा पंजाब रोडवेज हुंदा सी 34.15, वह 49.57 हो गया जी, 49 करोड़ 57 लाख, एंड पीआरटीसी 54 करोड़ 74 लाख, यानी कि 104 करोड़ रुपया महीने का सानू पिछले महीने नालों रेवेन्यू कलेक्शन वध हुई है, यानी कि ये तकरीबन तुसी ला लो 31 करोड़ रुपया एक महीने की साड़ी रेवेन्यू कलेक्शन च वाधा हो चुका है अक्टूबर, यानी कि करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज एवरी डे, जिहड़ा अज तो 20-21 दिन पहला
ਆਪਾਂ 53 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਟੋਟਲ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 31 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ अगर फिगर्स तो दसा था इनक्रीज इन वन डे 1 करोड़ इनक्रीज इन मंथ्स अगर जे नु एवरेज काढ लिए आपा कि किन्ना किन्नी ए ऑन एन एवरेज किन्ना साडा वाधा होया कमाई च जा रेवेन्यू च ए 42.57% इनक्रीज होया जी कोई ग्रोथ नहीं ऐसा होनी किते भी थोड़े कोले ऐसे आंकड़े नहीं होने कि एक महीने दे विच 42.57 दी ग्रोथ आई होवे पुराने रेवेन्यू तो सो हुण डेली जे 1 करोड़ इनक्रीज होया ता असी गल कर लिए कि 14.5 साल पुराने 10 साल अहमद शाह अब्दाली जी दी सरकार दे यानी कि राज नहीं सेवा करन वाले उन्हां माफिए दे जेड़े अजकल लोकां नूं फुटबाल खेड के भरमा रहे ने आदमी सुखबीर सिंह बादल साहब केवल ते केवल सुखबीर सिंह बादल करके 14.5 साल साडा ये रेवेन्यू लॉसेस होया क्यों तुसी हुण कहोगे कि 10 साल तो उन्हां दी सरकार सी 4.5 साल थोड़ी सी पर मैं ऑलरेडी कह चुकिया कि कंप्रोमाइज चीफ मिनिस्टर सीगा वो भी चाचा भतीजे नाल मिलिया गया सीगा इसे करके उन 14.5 साल ही मैं कह रहा नहीं तो 4.5 साल साडी कांग्रेस दे जिहड़े मैं ना गिणाउंदा ते 14.5 साल जे दिन गिन लिए जनाब ते 5220 दिन बनते हैं जी 5220 14.5 साल च 5220 दिन हो गए ते जे 5220 दिन च 1 करोड़ रुपया रोजाना आउंदा जिहड़ा कि तुहानू करके दिखाया ऑन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड करके दिखाया ਇਹ 5200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस PRTC ਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ 5200 करोड़ ਦਾ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5220 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ 5220 ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ 1 ਡੇ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5220 करोड़ ਰੁਪਇਆ एक तो यह ले लो जी 5220 करोड़ रुपया अगे आ जाओ जी हुण आपां गल करिए इलीगल एक्सटेंशनस दी जिहदे बारे अक्सर ही गल्लां कीतियां जांदियां पिछे जे आम आदमी पार्टी दे एक कोई प्रवक्ता सीगे कि आई डोंट नो उन्होंने भी आवाज उठाई सी कि राजा विड़िंग नूं तां मन्निए जे इलीगल जिहड़ियां एक्सटेंशनस ने जिहड़ी अज तो 2012 दे विच 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਲੀਗਲ ਰੂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ इन्होंने एक एक्सटेंशन तो बाद मोगे तो बाद जगराओं लै गए जगराओं तो बाद फिर अगे समराले उत्थे लुधियाने लै गए लुधियाने तो बाद समराले लै गए समराले तो बाद मोरिंडे लै गए मोरिंडे तो बाद चंडीगढ़ लै गए इदा ही अमृतसर लै गए इदा ही पटियाले लै गए इदा ही मुकसर चल के लुधियाने लै गए इदा ही हबोरों चल के अमृतसर चले गए सो जस्टिस सूर्यकांत ने आदि जजमेंट किया कि मल्टीपल इलीगल एक्सटेंशन जिहड़ियां हैगियां ए इमीडिएटली रद्द होनियां चाहीदियां ने जिहड़ा वार वार पंजाब दी विधानसभा दे विच भी मुद्दा उठिया ते कई वारी साडे कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि 15 दिनों दे विच जो जस्टिस सूर्याकांत दा हुक्म है ऑनरेबल हाई कोर्ट दा है उहनूं लागू कर दिता जाएगा 2012 च जी 2012 च ਇਹ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ
पार्टियां। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले से मोर लाती और इसके बावजूद भी किंतु परंतु कदे नोटिस फला ये वो पिछे जे मानजोग हाई कोर्ट च इन्होंने पटीशन पाई सी और 38 पटीशनर सीगे 38। फिर उन्होंने पटीशन आपकी वापस ले ली जदों हाई कोर्ट के फैसले पहला कि असी पटीशन वापस ले लेने हैं लेकिन साडा पटीशन उन्होंने वापस ली तो हाई कोर्ट ने एसटीसी साहब नूं हदायत दी कि तुसी इहदे ते ऑर्डर पास करो स्पीकिंग ऑर्डर। सो मेरा ख्याल मानजोग हाई कोर्ट के हुक्मां नूं मनदे होए एसटीसी साहब ने आपके स्पीकिंग ऑर्डर पास किए ते 1,00,000 किलोमीटर ये 1,00,000 किलोमीटर का मसला है जी इलीगल एक्सटेंशन 1,00,000 किलोमीटर दियां हैगियां ते उन्होंने कैंसल कर दिता गया वो सारे परमिट्स नूं जिहदे विचों 680 दे करीब परमिट्स हैगे ने जिहड़े वो कैंसल कर दिते गए उन्हां विचों हुण जिहड़े कुछ केसिस ते कुछ लोगों ने पहला हाई कोर्ट च गए हाई कोर्ट ने उन्हां दी अपील नूं उन्होंने कहा कि थानू अपील करन दी स्टेट च जाओ ते उत्थे तुसी अपील कर सकदे हो। हुण ओह साडा एक ट्रिब्यूनल स्टार्ट हैगा जिथे सैशन जज उरे हैडिंग करदे ने हैड करदे ने उत्थे गए सी उरे ते उन्हां नूं स्टे मिलिया 10 तारीख तक तां पीआरटीसी 45 रुपए 25 पैसे रेवीन्यू है जी उरा पर किलोमीटर 45 रुपए 25 पैसे पीआरटीसी दा ते पंजाब रोडवेज दा रेवीन्यू है जी 38 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर। ये 1,00,000 किलोमीटर की गल कर रहा मैं पर मैं अज की एवरेज मुताबक पीआरटीसी 45.25 कमाई रेवीन्यू हो रहा है ते पंजाब रोडवेज नूं 38.10 हो रहा है यानी कि जे ऑन एन एवरेज आपां इन्हां नूं कढ लईए तां 42 रुपए सानू पर किलोमीटर लॉस अज असी डिक्लेयर कर सकते हैं 1,00,000 किलोमीटर नूं। सो 1,00,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 42 रुपए यानी कि 9 साल दे विच 42 लाख हो गया जी ये जे डेली का 42 लाख ते अगर 9 साल हो गए इस जजमेंट नूं जिहड़ी लागू नहीं की गई 2012 तो लैके टिल टुडे 3285 दिन बन गए जी जिहड़ी जजमेंट जज साहब के हुक्मां दरमियान तो बाद लागू करनी सी वह लागू नहीं हुई ते 9 साल बाद लागू हुई ते 9 साल 3285 दिन पै गए ते जे 3285 दिनों नूं असी 9 साल 42 रुपए नाल गुणा करांगे जिहड़ा सानूं रेवीन्यू लॉस हुंदा रहा एक दिन दा पर किलोमीटर दा ये 1,380 करोड़ बन जाएंगे जी। समझ आई जी टोटल पर डे तो सानू जी 42 लाख किलोमीटर से 42 लाख रुपए का घाटा हो रहा ना जी पर डे साड़ी कमाई रेवीन्यू जेड़ा है वह 42 रुपए ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर है जी 42 रुपए ते 1,00,000 किलोमीटर इलीगल गड्डिया चल रही है पर डे 42 लाख हो गया जे 42 लाख जे वह 42 लाख रुपए नू साढ़े 900 जेडे 3285 दिनों ना गिनांगे 9 साल नाल तो फिर आ जाएगा 1,380 करोड़ एंड इफ यू कैलकुलेट कि जेड़ा 5,220 करोड़ रुपया सी ते उनू 1,380 5,220 पहला तुनू दस्या ते 1,380 ये दस्या ये टोटल 6,600 करोड़ रुपया हो गया जी। इहदे च मैं हजे अहमद शाह अब्दाली की कमाई की गल नहीं की कि उन्हें होर की किया ये तो मैं कह रहा कि सीधा तो सीधा 6,600 करोड़ रुपए का हुण तक चूना राजनीति सेवा करने वाले ने पंजाब नूं ला दिता है जेडे दोबारा राज की कल्पना कर रहे ने। ते जे जनाब असी हुण अगली क्योंकि ये कैलकुलेशन देनी थानू बड़ी जरूरी सी
जे 600 करोड़ रुपया साढ़े को रेवीन्यू आ जाता तो ये मैं 27 लाख रुपए की अज एक बस की कीमत है बॉडी लगा के तुसी 30 भी ला लो हायर साइड ती ऑर्डनरी बस है ओरी कीमत 27 लाख रुपया चैसी तो लैके बॉडी कंप्लीट करके 27 लाख रुपया सानू आ रही है क्योंकि 842 बसा का नवे का ऑर्डर दिता गया है वध तो वध भी ला लो होर भी तुसी 30 ला लो 24,000 बस मैं नवी खरीद सकता सी 24,000 बस इस 600 करोड़ रुपए नाल मैं नवी खरीद सकता सी 24,000 बस 24,000 तुसी कर लो ना जी 600 करोड़ गुणा 30 पे इथे बन जाना जी काम मैं ये कैलकुलेट करके आया हूं तकरीबन जे 24,000 मैं बंदा बस खरीदा तो मैं ड्राइवर कंडक्टर भी चाहिए जी तो 50,000 बंदे मैं रोजगार दे सकता सी सीधा 50,000 ठीक है अज कह देंदे कई कह देंदे खजाना खाली है खजाना खाली है आप देख लो जी मैं लगता खजाना खाली किया जाता खजाना खाली नहीं है खजाने भरन वाला सिस्टम से थोड़ा दिमाग चाहिए खजाना भरिया जा सकता है सो तकरीबन 50,000 लोगों नौकरियां दित्तियां जा सकदियां सन नवे बस स्टैंड वर्कशॉप बना सकते सी इंफ्रा च नवा सुधार लिया सकते सी जे अज असी साढ़े कोले टोटल फ्लीट है जी PRTC तो 1100 बसा है साढ़े कोले 1550 पन बस दियां साढ़े कोले बसा है 2650 नाल असी आ कुछ कर सकते हैं तो जो 24,000 बसा का फ्लीट हों करते की हर पिंड के कस्बे तो बस चलती हर पिंड तो PRTC से पन बस चलती अब साड़िया बसा नहीं है बसा करके सानू जेड़े परमिट सरेंडर करने पे साड़िया बसेज मेन जगह पर चल दी हैं हाईवेज पर चल दी हैं साढ़े को जो छोटे पिंड लोकल रूट्स ने बहुत घट ने अज पंजाब के हर पिंड चो 12,000 12,500 के करीब पिंड है हर बस चो दो बसा असी नवीं चला सकते सीरा यह नुकसान होया जी जो सारे का सारा और मैं तो वे लोग ने उन्होंने बहुत वे वे हाथ ने वो कितने कितने मैनेज करते हैं ये थानू पता है सारी गल का सो मैं थानू ये बेनती करांगा कि इना लोगों ने जेड़ा पंजाब सरकार नू इना वड़ा घाटा ते नुकसान किया है मैं इहदे बारे भी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हाँ और रिपोर्ट तैयार करके जेड़े ऑफिसर साहबान या उस डिपार्टमेंट के लोग ये इनवॉल्व सन जो लोग जिन्होंने ये किया जन तो कराया वो असी जल्दी ही मेरी कल होम मिनिस्टर साहब ना गल हुई है मुख्यमंत्री साहब ना गल हुई है वो असी इनक्वायरी असी विजिलेंस नू जा सिट बना के हायर अथॉरिटी नू देने वाले हैं ता जो टाइम बाउंड इनक्वायरी होके जिन्हां लोगों ने ये इल्जाम इत्थे तक पहुंचाया उन्हां ते बनदी कार्रवाई होनी चाहिए सो अज दा यही सीगा कि थानू मैं सारे इस बारे चानन पाव किसी के कोई क्वेश्चन है तो खजाना गल कर रहे हो जनाब मैं उन्होंने गल कर रहे हैं जेडे लोग कहते कि कई बार असी स्कीम्स लागू कर रहे हैं जरा रोज जरा सुबीर बादल कह रहे हैं कि इन्होंने तो खजाने च पैसे है नहीं है कि करेंगे अच्छा मनप्रीत बादल की नहीं मैं गल कर रहा पर मनप्रीत सिंह बादल का जो टैक्स है आई थिंक सो हजे तक नहीं आया उन्होंने ट्रिब्यून च खबर भी लगी सी उन्होंने कहा कि मैं जल्दी टैक्स आपका जो है भर देंगे मेरा ख्याल 13 लाख के करीब है जी रघुदास ट्रांसपोर्ट का बकाया सर ये जिंदा जागदा प्रूफ जिहड़ा थोड़े मीडिया वाले लोग रात 1 बजे 12 1 बजे मेरे नाल सी मैं किसी नाल कोई ऐसा वितकरा नहीं जिहड़ी बस आएगी असी उन्हूं चैक करीगे जिहदा जिहड़ी नॉर्म्स दी उलंघना कर रही सी उह फड़ के इंपाउंड रात 9 बसेस थोड़े 2 पत्रकार साथी साडे नाल उत्थे मौजूद सन सो किसी नाल कोई वितकरा नहीं और ये नहीं है कि फलाने की बस फड़नी है फलाने की नहीं अज भी कुछ पत्रकार साथी मेरे नाल सुबह 8 बजे तो लैके
राजपुरा तक सन असी जिहड़ियां नॉर्म्स दे उलंघना कर रही सी बसा उन्हां नूं फड़ लिया गया। यह नहीं कि कोई फलाने की आ गई तो चढ़ दिता गया, बेफजूल बेवजह जिहड़ा इल्जाम लाया जा। एक सैकंड सर, दिल्ली एयरपोर्ट का बसिस वाला साहब, मैं असी अरविंद केजरीवाल जी नूं चिट्ठी लिखी एंड आफ्टर दैट वो चिट्ठी थोनू ट्विटर से भी पाई, नाल ही नाल असी एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं ते ज्योतिराजे सिंधिया जी नूं असी चिट्ठी लिखी और ज्योतिराजे सिंधिया जी की चिट्ठी का जवाब आया कि सानू एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं डायल नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़े इत्थे आउण च, लेकिन तुसी पंजाब जिहड़ी है दिल्ली सरकार नाल आपदा मसला सुलझा लिया जाए। मैं दो चिट्ठियां लिखण दे बावजूद इस तों पहला भी वार वार चिट्ठियां साढ़े पुराने मंत्री साहबाना वालों लिखिया गई, कोई जवाब नहीं आया। सो मैनू लगता है कि असी हुण उहदा गलबात का जरिया बनाया, वारी वारी ट्वीट भी किया, नहीं कोई चिट्ठी का जवाब आया, लेकिन जल्दी दिल्ली सरकार नाल असी केजरीवाल साहब का और इतों प्यार भी पता लग रहा है पंजाब के लोगों नाल और माफिया की जिहड़ी वो गल करदे है माफिया दी और इन्ह लोगों बसिस एयरपोर्ट तक डायरेक्ट जाती है प्राइवेट बसिस, साड़ी बस उतों तक नहीं जान दिती जा रही। उहदे चे तुसी साफ नज़र आउंदा है कि जिहड़ी गल वो दिल्ली वो कह के करते हैं फिर पंजाब आके माफिया की गल कर रहे हैं, उल्टा वो लोग माफिए नाल मिले हुए है, उही लोग इन्हां वड्डे लोगों नाल मिले हुए है, उन्हां दीआं बसां एयरपोर्ट ते जांदीआं और पंजाब सरकार दीआं बसां नूं एयरपोर्ट ते जाण दी इजाजत नहीं है। पर इहदी असीं इहदी दिल्ली सरकार कोले जे उह नहीं बुलाउणगे तां असीं अपने आप चले जावांगे, इहदा कोई ना कोई जल्दी ही मसला हल कराउण दी कोशिश करांगे। हां हां जी एक मिनट सर, नहीं जी इहदे बारे कोई जिहड़ी पहला कई बस ऑपरेटर दे इतराज़ सी कि काफी बारी जिहड़ा फ्यूल प्राइस आ वधिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ते साडा टिकट दा रेट नहीं वधाया गया, इहदे वास्ते हजे कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है जी। किसी नूं कोई सिट बना के देवांगे इनक्वायर करके दसंगे कि किन्ने किन्ने केड़े केड़े ऑफिसर केड़े केड़े समय की उन्होंने गलतियां की और क्यों ये काम किया। जरूर कारवाई होगी मैम, अज मटौर का थाना जाके वेखोगे तो बसा भरिया पे डेढ़ डेढ़ करोड़ दी बसा अज ही जाके वेख्या क्योंकि रात मटौर के थाने सारिया फड़ के बसा करा मैम। पर स्लीपर क्लास बारे स्लीपर इट्स नॉट टूरिस्ट राइट, पर टूरिस्ट वाला तो फिर सानू जिहड़ी एंट्री टैक्स 5500 रुपया कोई भी बस आ सानू भरदी है, जिहड़ी बस नहीं भरदी कल भी टूरिस्ट बसा असी फड़ियां क्योंकि वो कंट्रैक्ट कैरेज के हिसाब नाल उन्हां कोले परमिट हैगा कि इत्थां तो नहीं। आई डो आई एम नॉट अवेयर कि नहीं मैं नहीं नहीं मैं नहीं मैनू इस बारे जिहड़ी तुसी स्लीपर क्लास की गल कीती है उरे बारे मैनू ओरी जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर हैगे, लेकिन अगर वो कंट्रैक्ट कैरेज से चल दियां टूरिस्ट बसा है जिहड़ियां कंट्रैक्ट कैरेज से चल दियां
उन्होंने सानू एंट्री से 5500 रुपए का टैक्स भरना होंगे जहां 3 महीने का लमसम 90,000 रुपया I am not aware पर चेक कर लेंगे जी शिवा जी एक मिनट बहुत चर दे गल कह रहे हैं कि जेडे लोगों ने जेडे अधिकारियों ने मुलाजमान ने ये हेरा फेरी की माफिया का सरगना जेडे साथ दिता है वो सवाल पूछ रहे चावला साहब उन्होंने मैं अगर कॉन्टिन्यू कर इस सारी जी सिट बनाओगे जांच करांगे ये क्लर्क जूनियर असिस्टेंट जो छोटे आ उ बड़ी के बकरे बनाए जाएंगे कि जो टॉप लैवल के अधिकारी आ उन्होंने पर भी कार्रवाई होगी। देखो जी जिन्हें अथॉरिटी ने जिन्हों फड़िया चैक किया जिन्हें साइन होंगे जिन्हें उरी उलंघना की हूँ जिस बंद ने मान लो मैं थोड़ा ऑर्डर देते कोई काम करने बिल्कुल ना करते अगर गलत सी चाहे वह छोटा आएगा चाहे वह वड्डा आएगा सब नाल इक्को जिहा वह रखा जाएगा लेकिन कानून तो सिस्टम तो यह वेखदा ना कि प्रूफ के आधार पर ही उन्हें कार्रवाई होगी। मैं थोड़ा ये कह दा कि कल वड्डिया की होगी तो कल छोटिया की नहीं होगी या कल छोटिया की होगी तो वड्डिया की नहीं होगी ये मैं अज नहीं ना कह सकता। भाई मंडे भेज देंगे जी तुसी ध्यान च लिया है मंडे तो ट्यूजडे नहीं होएगा बिल्कुल भेज देते जाएंगे जी पैनल भेज देंगे। ऐसी करड़ी कारवाई होनी चाहिए है जे तुसी सचमुच दे राजा बनने चाहते हो तो यह ना हो सिट ऐसी बने जी कारवाई करे उन्होंने सवाल नहीं नहीं की रिकवरी मैनू उन्होंने नहीं वो तुसी सवाल कर सकते हो बट उन्होंने मैं ये कहा कि वह यह ना हो नकली वकली सिट हो चंगी तरह तगड़ा हाथ पायो दूसरा उन्होंने सुझाव दिता कि यूटी तुसी पैनल सब का है थोड़े तो मंगया गया थोड़े को टाइम ही नहीं सीगा। मैं उन्होंने कहा कि मंडे दे विच विच मंडे बाय मंडे ओनली असी आपका पैनल भेज देंगे। यार हुण आपका सवाल आपकी मर्जी नहीं बना लो कि रिकवरी प्रोविजन वट इज द रिकवरी प्रोविजन प्लीज जो उन्होंने कार्रवाई होएगी जी सिट बनेगी कि इन्हों करके 600 करोड़ रुपए का नुकसान होया नैचुरली वही रिकवरी है वही दसांगे कि इन्हों तो रिकवरी लेनी है जिन्ना करके होया ये कल्परेट लोग ने इन्हों करके 600 करोड़ रुपए का नुकसान होया या तो रिकवरी दे देंगे जाओ जेल जाएंगे साहब जी गल मेरे तो कोई मेरे मुंह च कोई गल पाना चाहते हो सीएम के खिलाफ जेडी इनक्वायरी जो भी करना है मैं ये कह कि इनक्वायरी होगी इनक्वायरी दे विच ये पता लगेगा किरे करके ये नुकसान होया है जा किस बंदे ने कराया है किसी नूं तां बयान देने पैणगे ना। अगर कोई बंदा ये बयान दे देगा कि सीएम साहब ने तां मैनूं उहदा फोन आया सी मैं तां तद कीता है वह तां उहदे बयान देने पैणगे ना उहनूं मैं कल्ला कही जावांगा वह गल नहीं ना बनेगी जे उहनां बंदिआं दे जिन्हां दे खिलाफ इनक्वायरी होएगी कल नूं वह इस गल की गवाही देणगे जां कोई गल देणगे जां कोई प्रूफ देणगे तद कुछ भी हो सकता है। बीट एनी बड़ी बीट राजा बड़ी
जो हमने वेव ऑफ किया नहीं, इट्स 95 अभी बकाया होगा इस साल का, पूरे का पूरा बकाया खड़ा है हमारा। मेरे को लगता लगभग कुछ लोग पैसा आ गया है हमारे पास, मेरे पास सही उसके आंकड़े नहीं है। 69 वेव ऑफ हुआ है लास्ट ईयर, 9 महीनों का 69 वेव ऑफ हुआ था, और अभी हमारे पास 7 करोड़ 12 महीने मतलब के 10 महीने हो गए, नवंबर चल रहा है, 11 और 12, यू हैव एनी आइडिया? और 7 करोड़ रुपया अगर हमें आया है तो मेरे को लगभग ये 100 करोड़ का तकरीबन एक साल का हमारा टैक्स बन जाता है, अप टू 100 CR। तो हमें किसी ने टैक्स अभी तक भरा नहीं है, हमारे पास ये 7 करोड़ ही आया है, यानी कि 97 लाख रुपीज का भी पेंडिंग है। 97 करोड़ लाख, हाँ साहब, 95 नहीं, 97 क्यों हुआ, अगर 100 में से ये 7 आया हुआ तो 93 हुआ ना, 91-92 करोड़ हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हो सकता है 90-91 करोड़ हो, मैं अपने प्रेस नोट में आपको डाल के भेज दूंगा। बिल्कुल टैक्स वो टैक्स है 9 महीने का, पिछले साल कोविड का इन्हों टैक्स माफ होया गया, पूरी बसेस जेडे लोग आज चिल्ला रहे ने उन्होंने केवल 9 महीने का टैक्स ऑलरेडी माफ होया गया, जिसे जो घट्टो घट 10 करोड़ रुपया फायदा फिर अहमद शाह अब्दाली वाले नु होया होना है जो टैक्स वेव ऑफ होया। सुखबीर सिंह बादल, सर अज ही 4 फड़िया हो रहे थे, क्योंकि जेडे जेडिया बसेस इन्हां दी चल रही है विच असी नाल मीडिया वाले सी, उन्होंने चेक किया कि कोई अज सिरसा तो बस आई है, कंट्रैक्ट कैरेज की बस है, वह तो स्टेज कैरेज आनू चल रही है, असी राह दे सवारियां पुछिया, कोई कहते सरदूलगढ़ तो चढ़े हैं, कोई कहते एलनाबाद तो चढ़े हैं, कोई कहते असी मानसा तो चढ़े हैं, टैक्स ओरिज भी वह तो अजे थोनू अंकड़े नहीं दिते, वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस देवे, जेडे लोग टूरिस्ट बस कह के उन्होंने स्टेज कैरेज चला रहे हैं, रास्ते चो सवारियां चढ़ाते जा रहे हैं, टूरिस्ट परमिट का मतलब है भी एक थां तो सवारी चकनी एंड दूसरी थां ते उतारनी, विचारो तुसी सवारी बुकिंग लैके नहीं चक सकते, उन्हां दा टैक्स वखरा है, टूरिस्ट का और स्टेज कैरेज का टैक्स वखरा है। हाँ जी नहीं एक दो एक इंडो कनेडियन फड़ी है, एक उस तो पहला फड़ी गई थी इंडो कनेडियन, पर वो जिहड़ियां एयरपोर्ट बसेस ने वो वाया कुछ जलंधर तो चल दिया ने, कुछ अमृतसर तो चल दिया ने, कुछ लुधियाने तो चल दिया ने, जल्दी थोड़ा उन्होंने भी खुशखबरी दे देंगे। कंट्रोल हो सकता है जी, क्यों नहीं, वो कर नहीं नहीं तुसी जिहड़ी स्टेज कर रहे जी, वो टूरिस्ट बसेस ने, वो सानू टूरिस्ट जिहड़ी बस है उरे ते सानू उन्होंने टूरिस्ट वाला टैक्स देना 55,000 रुपया एंट्री टैक्स, राइट? एयरपोर्ट वाली ओ दैट कॉल अ टूरिस्ट बस, वो कहंदे कि असी अमृतसर तो पैसेंजर चकदे हां ते एयरपोर्ट ते छड़दे हां, ते एयरपोर्ट तो छड़दे चकदे हां ते जलंधर छड़दे हां, लेकिन वो जिहड़ी चलदी है वो रास्ते तो भी आपदे पैसेंजर चढ़ाउंदी आउंदी है, वो टैक्स दे विच कितो राजपुरों चढ़ा लिया, कितो अंबाले चढ़ा लिया, प्रॉब्लम, बट थिंग इज कि असी जदों नू टूरिस्ट परमिट देता
टूरिस्ट परमिट देता और टूरिस्ट परमिट से असि आपका टैक्स आपका स्टेट का टैक्स ले लिया, उस तो बाद वो आपकी मर्जी कर रहे। ठीक है, चंगा सुझाव है थोड़ा। यार हर बॉर्डर से असी बंदा थोड़ी ला सकते हैं, बट आने वाले समय च ऐसा सिस्टम जरूर क्रिएट कर दिया जाएगा कि कोई बस विदाउट टैक्स पंजाब च एंटर नहीं होएगी, क्योंकि जो एक बस इंपाउंड किया जाता है और चार दिन लगते हैं, चार दिन लगते छुट्टन छुड़ाउण दे विच अगले दिन तीन चार दिहाड़ियां खराब होंदियां है। कोई भी बंदा जो असं एक एक बस इंपाउंड कर देंगे, मैनू नहीं लगता कि फिर वह टैक्स तो बिना चलेगा। जाखड़ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਚ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਏਜੀ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਔਰ ਕੱਲ ਆਮ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮੀਤ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸਰ 300। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੈਰਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀ, ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।